ज्यादा आसान नहीं होगा हमारा पंचायत भवन तक पहुंचना। मुझे पूरा यकीन है वहां पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा होगी। वो शिवा हमारे मकसद के बारे में सब कुछ जानता है, हमारी शक्लें तक पहचानता है वो। शिवा हमारी सिर्फ ये शक्ल पहचानता है, तो इसलिए अब हम बेस बदल के जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। अगर तुम लोग वहां गए ना तो शिवा और पुलिस के बिछाए हुए जाल में फंस जाओगे। ये यहां कैसे आ गए? सरकार, इसे मैंने बुलाया, ये हमारी मदद करेगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मालूम शिवा ने हम पर नजर रखने के लिए इसे हमारे पीछे लगाया हो। अगर मैं शिवा से मिली होती ना तो शिवा मेरे साथ होता, पर उसका यहां होना तुम लोगों के लिए किसी कहर से कम ना होता। मैं यहां पे ये बताने आई हूं कि मैं शिवा से नफरत करती हूं। शिवा और रसाल दोनों पुलिस के पास गए हैं ताकि पंचायत भवन की सुरक्षा कायम रहे, और वैसे भी शिवा को शक है कि तुम लोग वहां पे भेस बदल के जाओगे। तो अगर खेल खेलना ही है ना तो खेल के रंग रूप बदलना सीखो। मेरे पास इसका एक जोरदार हल है। जीते तू पंचायत भवन जा और वहां होने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हरकत पर नजर रख और हमें खबर करता रहे। सरकार। हमारे पास हमलावरों की फोटोज की कॉपीज हैं जिन्हें हम आप सभी में बांटने वाले हैं। उन्हें ध्यान से देखिएगा और आपके आसपास अगर आपको किसी पे भी शक होता है या आपको कोई भी संदिग्ध आदमी या औरत नजर आता है तो कृपया करके खुद कुछ ना करें बल्कि पास खड़ी पुलिस या मुझे आकर बताएं। आज तक आपके बारे में काफी कुछ सुना है, हमें आप पर पूरा भरोसा है। और रही बात उस हमशक्ल बलवंत की तो उसे मैं खुद पहचान लूंगा। धन्यवाद सर जी। अब हम सभी हमारे डीएम साहब से ये निवेदन करते हैं कि दो शब्द कहकर इस सभा को अनुग्रहित करें। सीसीटीवी वाले कमरे में आ जाइए। भाई साहब जल्दी आइए, जल्दी आइए। ये देखिए, मुझे लग रहा है ये जो घूंघट में औरत है ना, यही बिजली है। रसाल, तू मेरे साथ पंचायत भवन चल। चल के से वहीं घेरते हैं। आजा, चल उठ। जी भाई साहब, चलिए।